आई एम बैक विद माई कुर्ती हॉल फ्रेंड्स, और आप लोग जानते हैं कि मैं आपके साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहती हूँ। जब कोलैबोरेशन होता है तो भी बताती हूँ, या वीडियो में लिखा ही आ जाता है पेड प्रमोशन, और जब नहीं होता है तो भी बताती हूँ। तो ये वाला कोलैबोरेशन नहीं है। मैंने खुद मिंत्रा से कुछ दिन पहले चल रही थी, वहाँ से कुर्ती सेट्स कुछ मंगवाए और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी भी मंगवाई, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू। मैं आपके साथ शेयर भी करने जा रही हूँ और स्टाइलिंग भी करके दिखाऊंगी उनकी, एंड स्टाइलिंग टिप्स भी दूंगी। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। अगर वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अलग स्टफ के लिए। अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मेरी जो सीरीज है व्हाट्स इन माय थाली टुडे देखते रहिएगा, अनाउंसमेंट्स उसी में होती है। एंड आल्सो इफ यू आर अ फूडी लाइक मी, तो आप मेरा और मेरे हस्बैंड का जो दूसरा चैनल है खाओ दो संजीव सेठ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जरूर देखिएगा। एक्सक्लूसिवली फूड, ट्रैवल एंड रेसिपीज का है वो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये येलो वाले कुर्ती सेट से। ये येलो कुर्ती जो है बहुत ही कूल लगी मुझे, स्लीवलेस कुर्ती है, बहुत कूल है एकदम, बहुत ही समरी है, और इसके ऊपर जो खड़ी वर्क भी बोलते हैं, जो वो हल्का सा वो पेंट का वर्क होता है ना, वो हुआ है। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा हो। वो स्ट्रेट कुर्ती है एंड इसके साथ में जो है प्लेन ये थोड़े से नैरो पैंट्स हैं, मतलब लूज वाले पलाजो नहीं है, नैरो पैंट्स है। और अगर आप मिंत्रा से ऑर्डर कर रहे हैं और अगर आपका लोअर पोर्शन मेरी तरह हैवी है, जैसे मेरा ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट्स ओके, बट नीचे का थोड़ा एक्स्ट्रा हैवी है, तो आप क्या कीजिएगा कि मीडियम साइज में ऑर्डर कीजिएगा। मैंने पहले जितने भी थे सब स्मॉल साइज में मंगवाए, तो कुर्ते सबके एकदम ठीक आ रहे थे, बिल्कुल ठीक फिटिंग बैठ रही थी, लेकिन क्या हुआ कि नीचे का जो था ना बिल्कुल कसा कसा हो रहा था, जो पैंट्स थी वो बहुत कसी कसी हो रही थी, और मतलब खुल के आराम से बैठ उठ नहीं पा रही थी। सो आई बेटर थॉट कि हम मीडियम साइज में ऑर्डर करें ताकि जो है थोड़ा सा लूज रहे। ऑल्सो ये कॉटन है तो थोड़ा थोड़ा आधा इंच तो कम से कम आधा एक इंच श्रिंक हो ही जाता है, एंड उसके बाद भी फिर जो है वो मतलब कंफर्टेबल रहेगा, श्रिंक होने के बाद भी कंफर्टेबल रहेगा। सो आई जस्ट लव द कलर, इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर द मॉनसून्स एंड इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर समर्स ऑल्सो। मुंबई में तो आप जानते हैं भर भर के मॉनसून आते हैं, तो मॉनसून पे कलर बड़ा ब्राइट लगता है क्योंकि सब तरफ जो है थोड़े बादल छाए होते हैं, तो कलरफुल कपड़े पहनने मुझे इसमें बहुत पसंद है। हाँ फ्रेंड्स, ये वाला जो था पूरा येलो वाला कुर्ता सेट मुझे सिर्फ 550 रुपए का पड़ा है। दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर वर्कवेयर, फॉर टीचर्स, फॉर जॉब। आप घर पे पहनना चाहे घर पे पहनिए, बाहर अपने काम पे पहन के जाना चाहे काम पे पहनिए, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर बहुत अच्छा लगा। अगेन पैंट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नैरो बॉटम पैंट्स होते हैं, नीचे से थोड़े नैरो हैं और ऊपर से लूज है, तो मैं अगेन यही एडवाइस दूंगी कि आप इसे मीडियम साइज में मंगवाइए। अगर आपका लोअर पोर्शन जो हैवी है या जो भी साइज आप पहनते हैं, तो उसे एक साइज बड़ा मंगवाइए ताकि कंफर्टेबली उठ बैठ सके, एंड दिस इज जस्ट फॉर 625 रुपीज पूरा सेट जो है। और ये जो इसका कुर्ता है मुझे बहुत बहुत स्मार्ट लगा, बहुत लॉन्ग कुर्ता नहीं है इसका, थोड़ा सा शॉर्ट कुर्ता है, लेकिन इसके साथ एक खास चीज़ दी है जो इस कुर्ते का इनफैक्ट इस पूरे सेट का लुक चेंज कर रही है। आप चाहें तो बिना उसके पहनिए, आप चाहें तो उसके साथ पहन लीजिए, तो ये गले में इसकी स्ट्रिंग लगी हुई है, बड़ा ही कम्फर्टेबल सा जो है वो स्ट्रेट फिट है। ओके, सो इसके साथ ये दिया हुआ है स्कार्फ। ये जो है ना ये एक अलग ही एलिमेंट ऐड कर रहा है पूरी आउटफिट पे। तो अगर आपको जैसे ऑफिस में जाना है कहीं पे, या फिर जो है वो अगर आप टीचर हैं या कुछ हैं, तो जब कभी भी हम कोई स्कार्फ, स्टोल या कुछ भी ऐसे नेक में बांध के पहनते हैं ना, तो हमें जो है काफ़ी हम काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आते हैं, काफ़ी पावरफुल भी नज़र आते हैं। तो अगर आप किसी पावरफुल पोस्ट पे हैं तो भी इसे आराम से पहन सकते हैं। इनफैक्ट स्टोल या दुपट्टे की भी ज़रूरत नहीं है साथ में, क्योंकि ये अपने आप एकदम फिक्स हो जाता है, गिव्स एन एक्सट्रीमली स्मार्ट लुक, और हमारे हाथ में बिल्कुल फ्री रहते हैं, मतलब बार बार हमें जो है वो कुछ ठीक नहीं करना पड़ता। एंड सबसे अच्छी बात ये क्योंकि ये कॉटन का है एकदम, तो गर्मी भी नहीं लगती है। एसी में मोस्टली आजकल सब ऑफिसेज वगैरह होते हैं तो गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, अगर आपका ऑफिस या आपका स्कूल वगैरह एसी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि बिना इसके भी पहन सकते हैं, या फिर इसे एक साइड पे आराम से ऐसे डिफरेंट स्टाइल बना के भी ले सकते हैं। सो आई जस्ट लव द कलर एंड द फैब्रिक ऑल्सो।
मैंने इनकी स्टाइलिंग की रील्स भी बनाई है, शॉर्ट्स भी बनाए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए तो आपको स्टाइलिंग रील्स और बहुत सारी अलग इमेज मैनेजमेंट की टिप्स भी देखने को मिल जाएंगी, एंड शॉर्ट्स में भी डालती रहती हूँ मैं। ओके, तो ये वाला भी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्कवेयर के लिए परफेक्ट है, ऑफिस जा रहे हैं, टीचर है, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा ही परफेक्ट लगा। आई जस्ट लव सीमलेस। एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपके शोल्डर्स जो हैं वो थोड़े छोटे हैं, आपका लोअर पोर्शन जो है वो थोड़ा ब्रॉड है, ये मैं कहूंगी कि हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है मोस्टली ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है, नीचे से हैवी होता है, ऊपर से थोड़ा स्मॉल होता है। अगर इस तरीके का है जैसा मेरा है तो ये स्लीवलेस बहुत अच्छे लगते हैं उनके ऊपर। तो ये स्लीवलेस है एंड इसका गला जो है ना, इस तरीके का बंद बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है। आई मस्ट से दैट ऐसा नहीं है कि आप इसे घर पे नहीं पहन सकते। स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ता है, इसका प्रिंट भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा, इट इज वेरी वेरी नाइस। एंड इसके साथ काफी कंफर्टेबल लूज पलाजोज हैं, तो ये वो टाइट वाले नहीं है, एंकल लेंथ पलाजोज हैं, काफी लूज हैं, कंफर्टेबल हैं। हालांकि इसका भी मैंने मीडियम बी साइज मंगवाया, नहीं तो फिर मुझे जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता, और बहुत टाइट टाइट कपड़े मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली यहाँ पे ह्यूमिड भी बहुत होता है मुंबई में। तो मैं तो इसे आप देखेंगे घर पे भी पहन लूंगी, गर्ल्स इसे कॉलेज पहन के जा सकती है, इस कुर्ती को डेनिम्स के साथ भी पहन सकती है, कोल्हापुरी चप्पल्स के साथ पहन सकती है, इनफैक्ट आजकल शूज के साथ बहुत कुर्तीज पहनने का रिवाज है तो वो भी पहन सकती है। आई जस्ट टेल यू द प्राइस, This set is for 535 rupees only. इस बार थोड़ा ब्लू के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो एक और जो है ब्लू सेट मैंने मंगवाया है, लेकिन ये काफी अलग है। एक्चुअली जब ये सेट मैंने मंगवाया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, अभी दिखाती हूँ आपको कि मैं इसे रखूँ, एक्सचेंज करूँ या क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था। अच्छा भी लग रहा था लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ आइडियाज निकाले कि मैं इसे कैसे कैसे पहन सकती हूँ, और मैंने फाइनली रख लिया क्योंकि थोड़ा सा अलग लुक भी दे रहा था। ओके, तो ये भी पहले बता दूं आपको कि 535 रुपीज का ही मिला है मुझे। इसके साथ अगेन ये जो है पजामा या पलाजो जो बोल सकते हैं, एंकल लेंथ, वो है, काफी कंफर्टेबल है। एंड इसका जो अपर गार्मेंट पीस है ना, ये जो है दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी बच्चों की फ्रॉक या जबला नजर आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। मतलब यू नो आई ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू माय एज, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है आजकल, बट स्टिल। तो ऑल्सो एक और चीज है, बिकॉज मेरा लोअर पोर्शन हैवी है तो मुझे पीछे से थोड़े से कवर्ड शर्ट्स हो या कुर्ता हो वो वाले कपड़े अच्छे लगते हैं जो पीछे से थोड़े लॉन्ग हो। अब इसका वो चक्कर भी नहीं हो रहा था, लॉन्ग भी नहीं हो रहे थे, बट व्हेन आई वोर दिस तो घर में सबने मुझे बोला, मैंने दिखाया अपनी मदर इन लॉ को और वो भी कहने लगी कि नहीं अच्छा लग रहा है, इट इज नॉट लुकिंग बैड एट ऑल। तो मैंने सोचा चलो रख लेते हैं। मैंने इसे जो है इस तरह से थोड़ा अलग टाइप से स्टाइल किया, शूज के साथ स्टाइल किया, और थोड़ा से इसके साथ जो है एक्सेसरीज अलग पहनी, एंड आई हैव केप्ट दिस फॉर माय हॉलीडेज। मतलब मैं हॉलीडेज पे जब जाया करूंगी, मे बी गोवा या कहीं पे भी जाऊं, तो मैं फिर थोड़ा सा स्पोर्टी तरीके से तैयार होती रहती हूँ, सो दिस विल रियली लुक नाइस एंड क्यूट इन हॉलीडेज। कंफर्टेबल भी लगेगा बिकॉज इसके साथ हम शूज पहन सकते हैं, कॉटन का है, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस। एंड ये वाला कलर भी मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना था, दिस इज प्रिंट, यू ऑल कैन सी इट हैज अ लवली बर्ड जो है इसमें प्रिंट में बनी हुई है, बड़ी प्यारी लग रही है छोटी छोटी बर्डीज। एंड एक और आइडिया मैंने इसे किया कि ये वाला जो टॉप है बहुत जल्दी ही आप देखेंगे मैं किसी साड़ी के साथ भी स्टाइल करके पहनूंगी, क्योंकि आजकल साड़ीज के साथ ब्लाउजेस की जगह सब लोग टॉप्स और टी शर्ट्स पहनने लगे हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट आइडिया। तो ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा किसी साड़ी के साथ भी। ओके, तो जो नेक्स्ट वाला है वो आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जब हम खाओ दो संजीव से चैनल के लिए एक फूड ब्लॉग शूट करने गए थे तब मैंने पहना था, इसलिए आज इसे स्टाइल नहीं किया। अपने आप में ही इतना खूबसूरत है, एंड इट इज जस्ट फॉर आई थिंक 520 रुपीज का है, ऐसे कुछ मिला था, बहुत ही प्यारा है। एंड इट इज ऑल अबाउट यू, जो दीपिका पादुकोण और मिंत्रा का कंबाइंड ब्रांड है ये वो है, तो काइंड ऑफ डिजाइनर वेयर कह सकते हैं। आई जस्ट लव द प्रिंट, आई लव द फैब्रिक, और एक बात और, इसका स्मॉल साइज मुझे बहुत कंफर्टेबल आ गया। तो अगर आप ऑल अबाउट यू के कलेक्शन में से कुछ मिंत्रा से मंगा रहे हैं तो आपका जो साइज है आपको उसे बड़ा मंगवाने की जरूरत नहीं है, उतना ही आराम से हो जाएगा। तो मैंने साइजेस एक्सचेंज कराए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इनफैक्ट फटाफट जो है आने लगे, जाइएगा नहीं अभी ज्वेलरी भी दिखानी है, आई एम टू एक्साइटेड टुडे। और जब मैं ये शूट कर रही थी फ्रेंड्स, तो एक और स्मॉल साइज एक्सचेंज करके मैंने मीडियम मंगाया था, आया और मैं इसे स्टाइल नहीं कर पाई, आगे किसी वीडियो में आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा चलिए क्यों नहीं आपके सामने ही इसे खोला जाए। दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस, क्योंकि मुझे थोड़े से जो वाइट ऑफ वाइट बेज कलर्स जो पेस्टल्स होते हैं बहुत पसंद आते हैं, बड़े क्लासी लुक देते हैं। ओके, सो लेट मी सी, ये काफी खादी जैसा फील दे रहा है इसका जो पजामा पैंट है।
तो ये देखिए, ये भी स्ट्रेट है लेकिन ये फुल लेंथ है, ये नीचे से नैरो नहीं है, ये ऊपर से जो है इस तरह का है। इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग भी दिया हुआ है, अगेन वेरी वेरी कंफर्टेबल। अब इसका मीडियम साइज आ गया तो आई एम श्योर ये काफी अच्छा आएगा। एंड यू कैन सी द फैब्रिक, ये बिल्कुल वो जो खादी का क्लासी फील है ना वो दे रहा है, एक्चुअली वही है ये। एंड इसके साथ का कुर्ता भी बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। एंड ये जो हैंकरचीफ स्टाइल आजकल चल रहा है, दोनों साइड से इस तरह से ये जो लंबा होता है इस तरह से है, और बीच से भी देख सकते हैं आप, काफी स्टाइलिश है। हॉरिजॉन्टल और डायगोनल स्ट्राइप्स दोनों बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि थोड़े जो हैवियर साइड पे लोग हैं वो नहीं पहन सकते इसे, क्योंकि ऊपर जो है पूरे वो हॉरिजॉन्टल हैं स्ट्राइप्स, नीचे डायगोनल हैं, तो आराम से पहन सकते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्टाइल दिस पीस वेरी सून, मे बी इन रील्स और शॉर्ट्स, बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस। आई विश आज मैं दिखा सकती आपको, आई जस्ट टेल यू द प्राइस, एंड दिस इज जस्ट फॉर रुपीज 625, 625 रुपए। जूलरी की बारी, तो ये दो ब्रांड्स हैं, अमी जिससे मैंने मंगाया है, एंड ये रूबंस करके हैं, इसके डिजाइन मुझे काफी अच्छे लगे तो मैंने इसके भी मंगाए। ओके फ्रेंड्स, इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो एंड फाइंडिंग इट यूजफुल, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मैं कमेंट्स पढ़ती सारे हूँ, जवाब सबका नहीं दे पाती बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये अमी का मुझे बहुत बहुत क्लासी लगा, पर्ल ड्रॉप्स, पर्ल्स मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, रोज गोल्ड है ऊपर हल्का सा, एंड मैं रेगुलर वेयर में पहन सकती हूँ, एंड शर्ट्स वगैरह के साथ, वेस्टर्न आउटफिट ड्रेसेस के साथ भी बहुत प्यारे लगे मुझे, तो ये मंगाए। अब एग्जैक्टली इनका सबका प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ 175 से शुरू हुए हैं, 300 तक गए हैं, कोई 200 का है, कोई 250 का है। आई जस्ट शो यू, ये रूबंस, RUBANS, ये इनके मैंने 2-3 मंगवाए, आई जस्ट लव दीज, ये बहुत ही प्यारे लगे मुझे, यूनिक भी लगे क्योंकि थोड़ा सा हैंगिंग है लेकिन थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट फॉर्म में भी है, सो आई लव दीज विच आर वर्सेटाइल, किसी के साथ भी जा सकते हैं। झुमकीज, यू ऑल नो आर माई फेवरेट बिकॉज आई जस्ट लव इंडियन वेयर, तो एक ये ग्रीन स्टोन में मैंने झुमकी मंगाई है, आई एम नॉट श्योर शायद रेड में भी थी, बट आई जस्ट लव दिस ग्रीन कलर, तो मैंने ये ग्रीन कलर में भी जो है झुमकी मंगवाई, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट झुमकीज, जो पिंजरे की शेप छोटी सी बनी हुई है, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। आप जानते हैं मैं झुमकीज बहुत पहनती हूँ, इनफैक्ट अभी भी मैंने पहनी हुई है अपनी सिल्वर झुमकीज, सिल्वर बॉम्बे में एकदम ब्लैक पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दी सॉल्टी एयर, सिल्वर शाइन नहीं रहती बिल्कुल उसमें, तो ये भी आई थिंक थोड़े और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे थोड़े टाइम में, बट आई एम गोइंग टू लव देम, छोटे छोटे पर्ल्स हैं। तो ये थोड़े से इयररिंग्स मंगवाए थे मैंने, एंड जस्ट बी विद मी, कीप वॉचिंग माई अदर प्लेलिस्ट ऑल्सो, नीचे सारे लिंक्स मैंने अटैच कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।